खबर मथुरा से। मथुरा की भाजपा सांसद एवं सिने तारिका हेमा मालिनी द्वारा वृंदावन में निवास कर रही असहाय वृद्ध महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिए वैन का लोकार्पण किया गया। लॉयंस क्लब के सहयोग से उपलब्ध कराई गई वैन का लोकार्पण सांसद द्वारा किया गया है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के लिए जानी जाने वाली संस्था लॉयंस क्लब द्वारा नगर के स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भजनाश्रम वृंदावन में निवास कर रही वृद्ध एवं असहाय महिलाओं तथा अनाथ बच्चों की सुविधा के लिए एक चार पहिया वाहन का लोकार्पण सांसद हेमा मालिनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि लॉयंस क्लब द्वारा समय समय पर आम जनमानस की सेवा के लिए कई प्रकल्प चलाए जाते हैं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि आज वृद्ध महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिए प्रदत्त वाहन का लोकार्पण करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। सांसद ने लॉयंस क्लब की सभी पदाधिकारियों को समाज सेवा के लिए किए जा रहे कार्य के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि यदि वृंदावन में कार्य कर रही सभी समाज सेवी संस्थाएं एवं अन्य क्लब भी इसी तरह के सेवा प्रकल्प में यदि अपनी भागीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से असहाय जनों को विशेष सहायता प्राप्त होगी। कार्यक्रम लॉयंस क्लब वाले हमेशा बहुत ही बढ़िया काम करते आ रहे हैं कई सालों से। नेम का अलग एक नाम है, एक अस्तित्व है और चैरिटेबल के लिए तो हमेशा तक पर रेडी रहते हैं। और आज भी ऐसा एक वृद्धाश्रम के लिए महिलाओं के लिए बच्चों के लिए एक वैन दिया जा रहा है जिसका लोकार्पण मेरे हाथों से किया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मथुरा में वृंदावन में खासतौर पर ये इतना बड़ा एक लॉयंस क्लब है और बहुत सारे मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं यहाँ के लिए। तो मैं तो ऐसे MP बनकर तो काफ़ी काम कर रही हूँ लेकिन ये लोग यहाँ हमेशा परमानेंट रहते हुए बहुत सारा काम। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।